नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए, RPF के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेली मैं आपको एक से दो रीजनिंग के वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग के वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आप मैथ और रीजनिंग के वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आपको करना होगा, आप प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें मुझे उदय प्रकाश सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे डायरेक्ट लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे निकालना कि क्या आएगा। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये 13 कैसे बना, इसको कैसे बना सकते हैं। तो आप कई ट्रिक लगाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो अगर हम लोग कर दें 3 का स्क्वायर कर दें और प्लस 2 का स्क्वायर कर दें, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 प्लस 4 कर दें तो हमारा 13 बन जाता है। ओके, इसी प्रकार हम लोग सेकंड में देखेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे और दोनों का ऐड कर देंगे, कितना आएगा 25 प्लस 4, आंसर हो जाएगा 29। इसी प्रकार इसमें हम लोग करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 16, आंसर हो जाएगा 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको ये दिख रहा होगा, तो हमें यहाँ पे निकालना कि क्या आएगा। तो आपको ये सभी संख्या देखने में किसी न किसी संख्या का क्यूब लग रही है। देखिए, ये हो गया 2 का क्यूब, ये हो गया 3 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये हो गया 6 का क्यूब, तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 का क्यूब क्या होता है 343। और दूसरी कंडीशन एक और है, जब ये 2 का क्यूब है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, तो 2 के पहले क्या आता है 1, तो 1 का क्यूब क्या हो सकता है 1, तो आंसर जो हो जाएगा आइदर और में आएगा, या तो 1 या तो 343। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे हमें निकालना कि क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मतलब इसमें से एक का संबंध दूसरे से होता है, दूसरे का संबंध हमें निकालना पड़ता है। ओके, तो सी एक्स से टी एच कैसे बना, तो सी की सबके सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, सी की होती 3, एक्स की होती 24, टी की होती 20, एच की होती 8, पी की होती 16 और जी की होती 7। ओके, अब देखते हैं सी से हम लोग सी से एच तक जाते हैं, सी से टी तक नहीं जाते, एच तक जाते हैं। ओके, तो सी से एच तक गए तो कितना 3 से कितना वृद्धि हुई प्लस 5 की। ओके, फिर 24 से मतलब हम लोग एक्स से टी तक जाते हैं, तो 24 से कितना घटाया माइनस 4, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लग गया, यही कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे लगा देंगे, तो पी से हम लोग पी से बनाएंगे नेक्स्ट संख्या और जी से बनाएंगे दूसरी संख्या, तो 16 में अगर 5 ऐड कर दें तो 21 हो जाता है, 21 किसका होता है यू। अगला जी से हम लोग 4 घटा देंगे, तो 7 में से 4 गए कितना बचा 3, 3 किसका होता है सी का, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी यू। एक और क्वेश्चन है कि किसी का मतलब हमें डिकोड करना है, मतलब दिल्ली को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो बॉम्बे को कैसे लिखेंगे। तो देखिए, दिल्ली से डी से क्या बन रहा है सी, तो कितना घटाया माइनस 1, फिर ई से क्या बन रहा है सी, तो कितना घटाया माइनस 2, फिर एल से कितना बन रहा है आई, तो कितना घटाया माइनस 3, फिर एच से कितना बन रहा है डी, तो कितना घटाया एच का होता है 8, डी का होता है 4, तो माइनस 4 घटाया। ओके, फिर आई का होता है 9 और डी का होता है 5, तो कितना घटाया माइनस 5, तो मतलब इसमें क्रमबद्ध से चल रहा है, घट रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ऐसे चल रहा है, तो यही है क्रम हम लोग बॉम्बे में लगाएंगे, तो बॉम्बे का होता है 2 और माइनस 1 करेंगे तो ए आ जाएगा, ओ का होता है 15 से माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 किसका होता है एम का, फिर एम का होता है 13 में से फिर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 किसका होता है जे का, आपको मैंने बताया था इजॉयटी, तो मतलब 5, 10, 15 इसे आप आसानी से कर सकते हैं। फिर बी का देखते हैं कितना होता है 2 में से अगर हम लोग 4 घटाएंगे तो कितना होगा
मतलब हम लोग अल्फाबेट की तरफ चलेंगे, मतलब 1 से 26, मतलब 1 से 26 तक चलेंगे। तो 24 बचेगा, 24 किसका होता है एक्स, फिर ए का होता है वन, वन से -5 करेंगे तो हम लोग उल्टे चलेंगे, तो कितना बचेगा 22। 22 किसका होता है बी, फिर 22 से बाई का देखिए, बाई का कितना होता है 25, फिर 25 में -6 करेंगे तो कितना बचा 19। 19 किसका होता है एस, तो हमारा आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा काउंटिंग फिगर का है, तो इसमें हमें ट्रायंगल को निकालना, कैसे निकालेंगे इस फिगर से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग दे देंगे 1, 2, 3, 4, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 2 आंसर हो जाएगा 8। अगला भी हमारा है क्वेश्चन काउंटिंग फिगर का, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें रेक्टेंगल ज्ञात करना मतलब आयत, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग दे देंगे 1, 2, 3, 2, 3, ओके। अब क्या करेंगे, रो कॉलम को हम लोग जोड़ लेंगे, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, फिर कॉलम को जोड़ लेंगे 1 + 2 + 3 कितना 6, ओके। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 36। अगर आयत निकालने का आता है, अगर आप भी मतलब मैट्रिक्स m घात m के पद पर हो, मतलब जितने कॉलम हो उतने रो हो, तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कैलेंडर का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है यदि कल के बाद आने वाला दिन शुक्रवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जब भी बाद वाला आए, मतलब जब भी बाद कहा जाए, तो बाद के लिए हम लोग इधर तरफ चलते हैं और पहले के लिए इधर तरफ चलते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज से, तो क्या कह रहा है कि यदि कल के बाद, मतलब आज से कल की तरफ चलेंगे तो कल के लिए ये हो गया, फिर कल के बाद मतलब ये हो जाएगा अगला दिन, तो क्या था दिन शुक्रवार, ये हमने शुक्रवार लिख दिया, ओके। फिर कह रहा है तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, मतलब पहले की बात हो रही, आज से कल, ये हो गया हमारा कल, पहले की बात है, तो एक पॉइंट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो कल से 3 दिन पहले, तो 3 पॉइंट हमने बना लिए 1, 2, 3, ये हो गया हमारा। कौन सा दिन था, देखिए आज है बुधवार, देखिए शुक्रवार तो हमें मिल गया था, तो शुक्रवार से 2 घटाएंगे कितना होगा, ये हो गया बृहस्पति, ये हो गया बुध, तो आज का हमें तो मिल गया बुधवार, तो बुधवार से हम लोग घटाते जाएंगे 4, तो ये हो गया हमारा मंगलवार, ये हो गया सोमवार, ये हो गया रविवार, ये हो गया शनिवार, आंसर हो गया हमारा सैटरडे, ओके। अगला क्वेश्चन है यदि 29 फरवरी का जो दिन है सोमवार है तो महीने का 11वां दिन किस दिन पड़ेगा। देखिए 29 फरवरी को कौन सा है सोमवार, तो हमें 11 फरवरी तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, 29 से 7 घटा देंगे सप्ताह, तो कितना बचा 22 फरवरी, तो 22 फरवरी को क्या होगा सोमवार, फिर 7 घटा देंगे तो 15 फरवरी हो जाएगा, तो क्या होगा सोमवार। अब 15 से कितना घटाएंगे 11 बन जाए, तो 4 घटा देंगे तो 11 फरवरी हो गया, तो 15 फरवरी को सोमवार है, तो 4 घटाते जाएंगे तो कैसे घटाएंगे, एक पॉइंट ये ले लिया 1, 3, 4, ओके। सोमवार था, एक घटाया, क्या पहुंच गया रविवार, फिर एक घटाया, फिर पहुंचा शनिवार, फिर एक घटाया, फिर शुक्रवार, फिर एक घटाया बृहस्पतिवार, तो आंसर हो गया हमारा बृहस्पतिवार, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैलेंडर का, एक्स सप्ताह व एक्स दिन में कुल कितने दिन होंगे, तो एक सप्ताह में हम लोग एक्स लिख लेंगे, पहले एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो हम लोग दिनों की संख्या को एक्स मान लेंगे, ओके लगभग, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 7 प्लस, फिर दिन हो रहा है एक्स दिन प्लस एक्स कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7x प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 8x दिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पासा का, डाइस का, दो फिगर दिए हुए हैं, इसमें हमें 3 के विपरीत बताना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉमन दोनों में ढूंढेंगे कि कौन सा कॉमन मिल रहा है, देखिए 6 कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो 6 में हम लोग गोला बना लेंगे, तो दोनों में क्या मिल गया, दोनों में 6 कॉमन मिल गया, ओके। तो हम लोग घड़ी की दिशा में चलेंगे, मतलब क्लॉकवाइज, तो ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर इसमें भी ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, हम लोगों ने 6 लिखा, फिर 6 से क्या हुआ 4 गया, फिर 5 गया, फिर 6 से क्या हुआ दूसरे वाले फिगर में 1 गया 3 गया, फिर इसमें 2-2 गोले बना लेंगे इसमें, तो पूछा जा रहा है 3 के विपरीत कौन सा होगा, देखिए 5 के विपरीत 3 या 3 के विपरीत क्या होगा 5, आंसर हो गया हमारा 5।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।